आज हमने नया रेसिपी लाया है, इसको सब लोग खा सकते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक सब खा सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं, इसमें बोन भी नहीं है, सब खा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। मैं पंची आप लोगों को पिंक पंची चैनल को स्वागत करती हूँ। तो आज हमने नया डिश लेके आए हैं, वो है फ्रन। फ्रन का करी आज हम बनाएंगे बंगाली स्टाइल में। आइए दोस्तों बनाते हैं। जाते जाते एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए नए नए रेसिपी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रन का नया रेसिपी जानना है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून मस्टर्ड लिए हैं, 2 टेबलस्पून जीरे लिए हैं, 4 मिर्ची लिए हैं, 2 कटा हुआ प्याज लिए हैं और कुछ लहसुन लिए हैं। ये सबको हम ब्लेंड कर लेंगे। देखिए ये रहा हमारा फ्रॉन, बड़े बड़े फ्रॉन लिए हैं। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लेते हैं, इसमें 5 फोरन डालते हैं। आप चाहें इसमें मिर्ची डाल सकते अपने हिसाब से, हमने यहाँ पर मिर्ची नहीं डाल रहे, डायरेक्ट फ्रॉन को डालते हैं फ्राई करने के लिए। हमने फ्रॉन डाल दिए हैं, थोड़ा पानी भी दिए हैं। इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। हमें हल्दी और नमक को मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर तक कवर कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से पक जाए। आप ज़्यादा ऑयल देना चाहते हैं तो ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कम ऑयल लिए हैं। अब आप थोड़ा ऑयल दे सकते हैं ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हमें वही कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। अब मसाला को डालेंगे। हमें मसाला का पानी को वेस्ट नहीं करना है, हमें यहीं पे डालना है। हमने पानी डाल दिए, अब यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। अब मसाला को थोड़ा भुनेंगे। थोड़ा भुनने के बाद हम इसको कवर कर लेते हैं। देखिए पानी भी सूख गए हैं, अच्छी तरह से बन गया है पेस्ट। ये मस्टर्ड पेस्ट है, इसको ज़्यादा नहीं भुनना है हमें, नहीं तो कड़वा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 2 कप पानी दे दिए हैं। अब इसको कवर कर लेते हैं, थोड़ा पकेगा। देखिए हमारा उबल आ गया है। अब इसमें फ्रॉन को डालेंगे। अब इसको कवर कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से पक जाए, फ्रॉन मसाला में अच्छी तरह से पक जाए। देखिए हमारा फ्रॉन करी इन बंगाली स्टाइल अच्छा बना है। आप भी इसी तरह बनाइए और टेस्ट कीजिए, कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। बंगाली में मस्टर्ड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको ज़्यादा पसंद है मस्टर्ड पेस्ट। दोस्तों आप लोगों को फ्रॉन ग्रेवी कैसा लगा, एक कमेंट कीजिए और एक लाइक कीजिए। थैंक यू। फ्रॉन एक ऐसा मछली, इसको सब खा सकते हैं, इसमें तो कांटा भी नहीं है, बच्चे से लेकर बूढ़े सब खा सकते हैं। और इसको जिस मसाला में डालोगे तो उसका डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट भी आता है। हमने देख लिया आज मस्टर्ड, दूसरा वीडियो में देखेंगे दूसरे मसालों में। आप देखते रहिए पिंक पंछी। नए नए रेसिपी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते एक लाइक तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। नमस्ते दोस्तों, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।